अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाओ तेरे रंग में। पापा का फोन है जी। पापा तू बचवा, अब फोन काहे नहीं उठा रहे थे? निकलो वहां से। वो इंस्पेक्टर देवी कुमार को पता चल गया कि आप उनके घर के अंदर तलाशी ले रहे हो। दौड़ वहां से, निकलो। वो बस वहां पहुंच रही है, निकलो वहां से, अब भागो। ठीक है बाबा, थैंक यू। तानी जल्दी निकलना वहां यहां से। देवी को पता चल गया कि हम यहां पर हैं। चलो इसे ना, वो आखिरी कमरा रह गया, वहां चेक करके आते हैं। एक मिनट तानी, तानी जो भी करना जल्दी करो। सबसे पहले तो पैरों पर गोली मारेंगे, उसके बाद केस फाइल करेंगे। खुना बाकी हम चेक कर लेते। तानी, 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 हमारे पास सुनो। तानी, हमारे पास सुनो। हमारे पास समय नहीं है। तानी, प्लीज। तानी, जो भी कर रही हो जल्दी करो प्लीज। मेरी फाइल, फाइल और फोटो लेकर भागे हैं। क्या? हे भगवान, फोटो देखकर उन्हें सच पता चल जाएगा, अब की सच्चाई बाहर आ जाएगी। छोड़ेंगे नहीं उसे। अब क्या करें? यहाँ बैठो, तुम बैठो यहाँ। ठीक हो? लेकिन एक बात बताओ हमें। बेवकूफ हो क्या तुम? क्या कर रही थी तुम? जरा सा भी अंदाजा है अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो? अरे अब हम ऐसे क्यों डांट रहे? हमने क्या किया? अच्छा फिर तुम ये बताओ कैसे डांटे हम? बेवकूफी तुम कर रही थी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा कि कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे हम। और आप जो इतनी बड़ी मुश्किल में, उसका क्या? उसका हल तो ढूंढना होगा ना हमें। रूची, इसे पीछे थोड़ी ना हट सकते, हार थोड़ी ना मान सकते हम। इसका मतलब ये नहीं है कि शेरनी बनकर किसी पे भी चढ़ जाओगी तुम। बिल्कुल भिड़ जाएंगे हम। आपको हर मुश्किल से निकालने की कसम खाई है हमने। खुद के बारे में नहीं सोचते हम, इतने खुदगर्ज नहीं है हम। बाय द वे, और जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें हमारे साथ साथ तुम भी जेल जा सकती थी। हाँ तो यही सही है ना, आप जहाँ जाएंगे हम वहीं चले जाएंगे। आपके बिना जी तो नहीं सकते हम। आपसे रंग में मैं रंग जाऊं तेरे।
क्या कहा तुमने? आपके बिना हम आपसे क्या? चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं कहना हमें, आपको तो सिर्फ लड़ना पसंद है ना, लड़ते रहिए आप। रिक्शा 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 रिक्शा, रुको 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 भैया, गोमती नगर चलेंगे। हाँ चलेंगे। गोमती नगर चलेंगे। हाँ चलेंगे। चलो जी, ये वही ऑटो है। पक्का? हाँ। अच्छा आप भैया एक बात बताइए, कल आपके ऑटो में कोई बुरखे वाली बैठी थी क्या? अरे भाई साहब, कल की तो बात ही मत करिए, कल मेरा पूरा दिन खराब हो गया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कल एक आदमी हमारे पास आया, बोला कि मेरी मदद कर दो, दुगने पैसे दूंगा। हम भी लालच में आ गए, हमने उसको अपनी ऑटो में बैठा लिया। फिर आधे रास्ते में उसने बुरखे वाली को बैठा लिया और बीच रास्ते में झगड़ा करने लगा, छीना चपटी करने लगा, और फिर उस छीना चपटी में उसकी दाढ़ी निकल गई। तब हमको पता चला कि ये तो भेष बदल कर आया है। और फिर उसके बाद वो बुरखे वाली लड़की चलती ऑटो से कूद जाती है, ये भी उसके पीछे भागने वाला होता है, लेकिन पता नहीं किसको देख के रुक जाता है और हमसे बोलता है ऑटो निकालो ऑटो निकालो जल्दी से। एक सेकंड, क्या आप उस आदमी को पहचान सकते हैं? अरे हम उसको तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे, बहुत बुरी तरह डांटा था हमको। रुचि, हाँ। इसका मतलब कोई और भी है जो चाहता है कि हम उस औरत से ना मिले, और हो ना हो वो भी उस पाउच के पीछे पड़ा था जो वो हमें देने वाली थी। और अगर वो आदमी भेष बदलने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि कोई उसे ना पहचाने। रुचि, अगर वो देवी का आदमी होता तो छीना छपी नहीं करता ना उसके साथ, मतलब इस में कोई तीसरा आदमी भी है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, चलो। हाँ। एक सेकंड। हेलो, हाँ पापा, पापा बिल्कुल वक्त पे बाहर निकल आए थे हम देवी के घर से। वो इंस्पेक्टर देवी कुमार जी है ना, वो घर आ गई है। आप जरा जल्दी से घर आ जाइए, ध्यान से जरा। क्या हुआ? देवी घर पे है हमारे, जल्दी चलो। अब क्या लेने आए आप लोग? अदालत से जमानत तो हो गई ना हमारे भाई की। भैया रहने दीजिए ना, बॉस के ऑर्डर ही फॉलो कर रहे हैं, हम घर चलते हैं। चलिए। अरे भाई, अरे भाई, गिरफ्तार करो इसे। हमारे घर में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, चलो। कहाँ तो लग जाए धक से, अरे ऐसे कैसे, क्या किया इसने? हाँ एक सेकेंड माँ बुआ जी, इन्हें कहने दीजिए जो कहना है। ऐसे भी ये तो हमारी घर की मेहमान हो चुकी है ना, आती जाती रहती है, तो पानी तो ऑफर कर सकते हैं ना। पानी पीजिए, एक दो बर्फ डाल दे क्या, क्योंकि अब आपके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है, शायद पसीना भी आ सकता। एसी ऑन नहीं है क्या? एसी तो ऑन है, फिर क्या बात है आप इतनी परेशान, इतनी कोई प्रॉब्लम है, कुछ छुपा रही है?
कोई बात नहीं, आप पहले पानी पी लीजिए, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। लीजिए। कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारे घर से जो तुमने फाइल चुराई है वो हमें वापस कर दो बस। कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं आप? वैसे आप कौन सी वीडियो लेकर आई हैं हमें फंसाने के लिए? भाभी, इन्हें ये रिकॉर्डिंग खेलने का बहुत शौक है ना, तो एक काम करते हैं, हम भी ये खेल खेलते हैं, आप भी रिकॉर्डिंग कीजिए। हाँ भाभी, सबको पता चलना चाहिए ना कि पुलिस बार बार हमारे घर में आकर हमें डराती धमकाती रहती है और बेवजह हमें तंग कर रही है, हम पे झूठा इल्जाम लगाकर। वैसे इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि हम और हमारी बीवी चोर हैं क्या, जो आपके घर में घुस जाएंगे चोरी करने के लिए? वैसे ऐसा क्या होगा आपके घर में जो हमें चोरी करनी चाहिए? अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ध्रुव पांडे, हम साबित कर सकते हैं कि तुम दोनों हमारे घर आए थे, हम साबित कर सकते हैं। पर हम दोनों आपके घर क्यों आएंगे? आखिर ऐसा क्या मिलेगा हमें आपके घर में? आप हमारे इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं तो आपके घर क्यों आएंगे? इंचार्ज ऑफिसर? हाँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि हम केस की फाइल चुराना चाहते हैं? ये अगर वो चुराएंगे हम तो हम थाने जाएंगे ना, क्योंकि थाने में पड़ी होगी वो फाइल। आपके घर क्यों जाएंगे? हमारा मतलब है, आपके घर में ऐसा क्या है भाई? तो आपके घर में ऐसा क्या है, आपके घर में क्यों जाएंगे हम? एक बात बताइए हमें, आपके पास कोई सबूत है कि हम आपके घर गए थे? सबूत कैसे होगा, हम तो इनके घर गए नहीं थे। पर हमारे पास सबूत है कि हम कहां पर थे। एक सेकंड, दिखाते हैं आपको। भाई साहब आइए जरा। आप जरा मैम को बताएंगे कि हम कहां थे शाम से? आज शाम आप दोनों हमारे साथ हमारे ऑटो से घूम रहे थे, पूरे लखनऊ का चक्कर कटवाया था हमने आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों किसी बुरके वाली को ढूंढ रहे थे। ए! इसका बैच निकालो और इसकी शक्ल याद रखना, पुलिस को झूठा बयान देता है आ? इसे भी गिरफ्तार करो। चिंता मत करो, वो क्या ना गलत साबित हो रही है मैम, बौखला गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रही हैं, क्या हो रहा है इनके साथ। डरने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं नहीं, हम क्यों डरेंगे, और सच बोलने में कैसा डर? अच्छा, सच बोलने में कैसा डर है? बेवकूफ समझा है हमें? पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक पूरे लखनऊ में ऑटो में घूमेगा? तो क्या ना कि पूरा भरोसा था हमें आप पर कि आप हमारे घर तमाशा करने जरूर आएंगे, फिर सोचा कि हमें भी सबूतों के साथ तैयार रहना चाहिए, इसीलिए ऑटो कर लिया। हम गाड़ी में जाते तो साबित कर नहीं पाते आपको। चलिए देवी कुमार जी, प्यार से आई तो आपको हम पलकों पर बिठाएंगे, आओ भगत करेंगे और आपको चाय भी पिलाएंगे। इस सारे धारावाहिक से कम से कम आपको इतनी सीख तो मिल जानी चाहिए कि काशीनाथ पांडे के घर दूसरी बार, लेकिन अगर तेवर के साथ आई बिना सबूतों के, तो आप हम गेट आउट तो कह नहीं सकते, क्योंकि ऑन ड्यूटी है ना आप, धारा लगा देंगी चार पांच। बस इतना कह सकते हैं कि राम राम, जा सकती हैं आप। तो करी करक पड़ा हुआ इंसाखा, अभी हमरा भी शूट कीजिए।
करके रखें। थैंक यू। थैंक यू सो मच काका। आप प्लीज वो फाइल ले आएंगे जो हमने आपको दी थी छुपाने के लिए? जी अभी लेकर आते हैं। पापा वो हमें एक जरूरी कॉल आ रहा है तो हम उसको लेके आते हैं। हेलो। हाँ थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। अभी आप घर जाइए आराम करिए ठीक है? जी। क्या है इस फाइल में बचवा? कुछ फोटोज एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स बाबा जो हम देख नहीं पाए, मौका नहीं मिला हमें। वो कहना कि अब थक चुके हम थोड़ा सा और अब सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी के लॉकर में रख देते हैं इसे, सुबह उठते पहली फुर्सत में ये देखेंगे हम। और वैसे भी देवी के वापस आने का डर है हमें। अब ध्रुव जी इतनी जल्दी थोड़ी ना वापस आएगी वो, 5-10 मिनट का ही काम है। रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे शरेआम सबके सामने ये फाइल खोल कर नहीं देख सकते क्योंकि देवी अच्छे से जानती कि ये फाइल हमने उसके घर से चुराई और वो शांत नहीं बैठेगी। जी लेकिन बच्चों आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक काम करेंगे इस फाइल को कहीं जाकर फार्म हाउस पर जाकर देख लेंगे। थैंक यू पापा। ये सब क्या चल रहा है भैया? इस केस से आपका क्या लेने देना है? हमारा क्या लेने देना इस केस से? हमें तो इस कमरे से आवाज आई थी तो हम वो देखने आए थे कि सब कुछ ठीक तो है ना यहाँ पे, बस वही। ये सब मत करिए प्लीज। क्या क्या ना करें ध्रुव, हमने किया क्या है? उस ऑटो वाले ने हमें सब कुछ बता दिया था भैया। भाई साहब। हाँ कौन सा? आप कौन? हमारे बड़े भाई हैं वो। क्यों क्या हुआ? अरे यही तो थे उस दिन ऑटो में भुरके वाले से छीना छपटी कर रहे थे। हाँ यही भेस बदल कर आए थे, यही थे। एक काम करिए यहीं पर रुकिए, हमें आपसे काम है। हाँ? हाँ। हमारी फाइल आपके रिक्शा में पड़ी है, ये हाँ, हाँ, हाँ। ये और अब रखिए।
चिंता मत करिए, वो ऑटो वाला कभी किसी को कुछ कहेगा नहीं। उसको चुप रहने के पैसे दिए हमने, और ये भी कहा है कि देवी के खिलाफ हमारे लिए गवाही दे। और धानी को नीचे हमने इसलिए फाइल खोलने नहीं दी क्योंकि पहले हम जानना चाहते थे कि इस फाइल से आपका क्या कनेक्शन है। भैया प्लीज प्लीज बताइए कि क्या चल रहा है। कहीं सृष्टि के साथ आप नहीं डरो? हमने सृष्टि को नहीं मारा है, हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि तुम हमें फाइल लेकर जाने दो। सॉरी भैया, हम आपको यूं जाने नहीं दे सकते। आइए हमारे से बैठिए। वो आपके छोटे भाई हैं, और छोटे भाई होने के नाते आपको वादा करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। अब प्लीज हमें बताइए कि क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं।